नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं हिंदी डिक्टेशन बोल रही हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और बराबर प्रैक्टिस करें। जब तक डिक्टेशन पूरी ना हो जाए, जब तक बराबर लिखते रहें, अगर आपको टप लगे तो आप टप शब्दों की प्रैक्टिस करें, लेकिन बीच में ना रुकें, इससे स्पीड बिगड़ती है, बनती नहीं है। तो आप हमारे साथ डिक्टेशन लिखें। स्टार्ट। उप सभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं माननीय सदस्य जी को हृदय से बधाई देना चाहती हूँ कि वह यह निजी विधेयक सदन में लाएं और इस गंभीर समस्या की ओर सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। महोदय, रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की समस्याओं के साथ देश के लोगों की जन भावनाएं भी जुड़ी हैं और मुझे आशा है कि हम इन मूलभूत आवश्यकताओं को लोगों को प्रदान कराने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। मान्यवर, ये इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिन्हें कि पाने का इंसान को अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है और हर सरकार का, चाहे वह लोकतांत्रिक सरकार हो, चाहे नौकरशाही की सरकार हो, चाहे वह तानाशाही की सरकार हो, चाहे फौजी सरकार हो, हर सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि वह अपने देश के नागरिकों को रोजी रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराए। मान्यवर, हमारा दुर्भाग्य है कि देश में इतनी विशाल जनसंख्या होते हुए, अटूट संसाधन होते हुए भी हर एक नागरिक को हम ये सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ के जो हालात हैं, जो आर्थिक हालात हैं, उनमें पूरी तरह से संतुलन नहीं है और एक बड़ा वर्ग भेद दिखाई देता है। एक तरफ तो बड़े बड़े पूंजीपति हैं और दूसरी तरफ चौराहों पर भीख मांगते हुए गरीब लोग भी दिखाई दे जाते हैं। यह स्थिति हमारे लिए अत्यंत ही शर्मनाक है। मान्यवर, हमारे देश में जो श्रम शक्ति है, हमारी 80% जनसंख्या जो कि गांवों में रहती है, उनकी हालत भी संतोषजनक नहीं है। वे बेरोजगारी की स्थिति से गुजर रहे हैं। कुछ समय तक तो उनको काम मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे गरीब लोग भी हैं जो कि बंधुआ मजदूर जैसी स्थिति में रह रहे हैं। वे पूरे दिन श्रम करते हैं, फिर भी परिवार को भरपेट रोटी नहीं दे सकते। इसलिए मैं इस बिल के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि सरकार ऐसी नीतियाँ बनाए जिससे कि लोगों को काम मिल सके। हमारी केंद्र सरकार और हर राज्य सरकार इस तरह से कार्यक्रम बनाए और इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर उसका निर्वाह करे और उसको कानूनी जामा पहनाए। हर सरकार का यह कानूनी दायित्व होना चाहिए। सरकारें नैतिक जिम्मेदारियों से बंधी हुई हैं। उपसभा अध्यक्ष महोदय, पिछले समय जबकि इंदिरा गांधी जी थी, कांग्रेस का राज था, तो गरीब को संसाधन देने के लिए, उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान देने के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए उन्होंने कुछ कार्यक्रम बनाए थे। 20 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया
बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे कि लोग योजनाबद्ध रूप से अपने लिए रोजगार हासिल कर सकें और सरकार उसमें सहयोग दे सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण और कुछ हमारे देश की नौकरशाही के कारण और कुछ उन कार्यक्रमों का ठीक से क्रियान्वयन न हो पाने के कारण जितना लक्ष्य रखा गया था वह हम पूरा हासिल नहीं कर पाए। पिछले कुछ वर्षों में उसके परिणाम काफ़ी अच्छे दिखाई देने लगे थे, लेकिन जितना लक्ष्य था वह पूरा होने में काफ़ी कमी रही। कुछ ऐसा है कि राजनीतिक दलों के आपसी मतभेद के कारण, गलत नीतियों के कारण, अक्षमताओं के कारण और कुछ बार बार सरकारों के बदलने के कारण जो सरकारी कार्यक्रम थे, योजनाएं थीं, वे ठीक से पूरी नहीं हो पाई, ना सरकार उन पर ध्यान दे सकी और ना उन कार्यक्रमों को, उन योजनाओं को पूरा किया जा सका। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय थी उसमें निरंतर गिरावट आ गई। पिछले दो वर्षों में उपसभा अध्यक्ष महोदय, आज हम देख रहे हैं कि रोजगार के अभाव में किस तरह से लोग, खास तौर से गरीब लोग भूखे मर रहे हैं। पूरा दिन श्रम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, पानी लगाते हैं, रात भर जागते हैं, लेकिन रोटी उनको पूरी नहीं मिल पाती। आज हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं है, अपार संपदा है, चाहे वह वन संपदा हो, चाहे धरती हो, चाहे खनिज संपदा हो, चाहे दूसरी संपदा हो, उनका दोहन ठीक से नहीं हो पा रहा, उनका उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा है। जब तक धन और धरती का समान वितरण नहीं होगा, तब तक इस देश में कोई ठोस कार्यक्रम गरीबों के लिए नहीं हो सकेगा। जब तक धन और धरती का समान वितरण नहीं होगा और यह रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या वैसी ही समस्या बनी रहेगी। महोदय, अभी पिछले दिनों मुझे माननीय उपराष्ट्रपति जी के साथ बाहर जाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान अपने देश की जनता को देने की हमारी पहली और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। महोदय, संसद भवन परिसर में ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों एवं राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमाएं तथा चित्र शोभायमान हैं, जिनके योगदान के प्रति राष्ट्र अपनी कृतज्ञता प्रकट करता रहेगा। समय समय पर राष्ट्र के अन्य स्मरणीय कर्णधारों को उनके यहाँ चित्र एवं प्रतिमाएं लगाकर कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया जाता है। इसी क्रम में आयोजित एक भव्य समारोह में 20 अगस्त 1963 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के भव्य चित्र का संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में अनावरण किया। इस समारोह में अन्य लोगों के अतिरिक्त भारत के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य तथा अन्य कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। ऐसा ही एक नई महत्वपूर्ण समारोह 2 अक्टूबर 1963 को जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं राष्ट्रपुत्र लाल बहादुर शास्त्री दोनों के जन्म दिवस का विरल संयोग है, संसद भवन परिसर में आयोजित किया गया। इस बिल का समारोह में
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यदि प्राकृत आकार जीवंत प्रतिमा का संसद भवन परिसर के प्रमुख प्रांगण में तथा केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र का अनावरण माननीय राष्ट्रपिता द्वारा किया गया। आपको डिक्टेशन अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पर थोड़ा टप लगेगी तो आप लोग प्रैक्टिस भी करें। दैट्स ऑल।